सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द गाइस। आज के इस वीडियो में काली माता जी की ड्राइंग को कंप्लीट करने वाला हूँ। और प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं किस तरीके से बैकग्राउंड में कलरिंग किया था और फेस में कलरिंग किया था। तो चलो अभी इस ड्राइंग में जो भी बाकी है सब कुछ कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, हेयर्स में जो कि सिंदूर की एरिया है उसमें वर्मिलन ह्यू और रेड कलर से कवर कर रहा हूँ। एंड ऑब्वियसली हेयर्स की जो डायरेक्शन है उसकी वाइज हमें शेडिंग करना है। ओके, नेक्स्ट अभी हेयर्स में कलरिंग करने के लिए डार्क ब्राउन कलर का यूज़ कर रहा हूँ। और इस कलर से भी इवन आगे जो भी कलर्स में यूज़ करने वाला हूँ वो सब कलर से हमें हेयर्स के डायरेक्शन वाइज ही सेटिंग करना है। और डिफरेंस पार्टों को ऑब्जर्व करके हेयर्स में जो भी हाइलाइटेड पार्ट्स है, इवन जो भी लाइट पार्ट्स है, वो सब एरियाज में हमें लो प्रेशर अप्लाई करके सेटिंग करना है। और जो भी डार्क पार्ट्स है वो सब एरियाज में हमें ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके सेटिंग करना है। और वीडियो बहुत ही स्लो है गाइस, ताकि सेटिंग की एक एक स्ट्रोक में किस तरीके से दे रहा हूँ वो आप लोग इजिली समझ पाओ। तो देखो आप लोग अभी ध्यान से मैं कहाँ पर किस तरीके से सेटिंग वगैरह कर रहा हूँ। ओके, डार्क ब्राउन कलर से सेटिंग करने के बाद अभी मैं येलो ओचरी कलर का यूज़ कर रहा हूँ। और अभी इस कलर से जो भी हाइलाइटेड पार्ट्स में लो प्रेशर अप्लाई करके सेटिंग किया था या फिर छोड़ के सेटिंग किया था, वो सब एरियाज में अभी ये येलो ओचरी कलर से कवर करना है। और थोड़ा बहुत अभी लाइट ब्लू कलर को भी यूज कर रहा हूं। नेक्स्ट अभी इसके ऊपर पहले जिस तरीके से ब्राउन कलर से सेटिंग किया था, सेम टू सेम वैसे ही हमें अभी ब्लैक कलर को यूज करके सेटिंग करना है। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि पहले लेयर में कभी भी ब्लैक कलर को यूज नहीं करना चाहिए, दैट्स व्हाई मैं पहले ब्राउन कलर को यूज किया एंड देन उसके ऊपर मैं ब्लैक कलर को यूज कर रहा हूँ। Thank you.
ओके, ब्लैक कलर से शेडिंग करने के बाद जहाँ पर जिस डायरेक्शन वाइज में पहले कलर से शेडिंग किया था वहाँ पर उसी डायरेक्शन वाइज हमें ब्लेंड करना है फिंगर की मदद से। ओके, ब्लेंड करने के बाद देखो जितना हमें हेयर्स में डार्क वैल्यूज चाहिए था उतना नहीं है। दैट्स व्हाई मैं एक बार जहां पर भी डार्क वैल्यूज चाहिए वहां पर मैं फिर से एक बार ब्लैक कलर को यूज करके हेयर्स के डायरेक्शन वाइज शेडिंग कर रहा हूँ और इससे बहुत ज्यादा फायदा है गाइस। लाइक हेयर्स में वॉल्यूम देखने को मिल जाएगी, एक एक हेयर्स को अच्छी तरीके से देखने को मिल जाएगी, तो डिटेलिंग भी हो जाएगी और थोड़ा बहुत जहां पर भी आप लोग गलती किए थे वो सब भी अभी ठीक कर सकते हो। नेक्स्ट अभी थोड़ा बहुत जो भी हाइलाइटेड हेयर्स चाहिए उसमें अभी व्हाइट कलर से शेडिंग कर रहा हूँ। और सेम इसी टेक्निक को अभी हमें ऑपोजिट साइड की हेयर्स में भी कर लेना है। Thank you.
और अभी स्किन की जो भी पार्ट्स है उसमें सेकेंड पार्ट की वीडियो में जिस तरीके से मैं फेस में कलरिंग किया था सेम वैसे ही हमें यहाँ पर भी करना है। तो पहले ब्राउन कलर से डार्क वैल्यूज को देना है, उसके बाद मीडियम वैल्यूज के लिए डीप येलो कलर को यूज़ करना है, और उसके बाद लाइट वैल्यूज के लिए व्हाइट कलर को यूज़ करके सेटिंग करना है, एंड देन उसको कॉटन बार्ड की मदद से ब्लेंड कर देना है बस। नेक्स्ट अभी इसके ऊपर डिटेल वे में डार्क वैल्यूज को देने के लिए सॉफ्ट चारकोल पेंसिल को यूज करके सेटिंग कर रहा हूँ। और भी फ्लावर्स में भी सेम टू सेम वैसे ही टेक्निक का यूज़ करना है। तो पहले डार्क वैल्यूज को देना है, उसके बाद मीडियम वैल्यूज को देना है, और लास्ट में लाइट वैल्यूज को देना है, एंड देन उसके ऊपर सॉफ्ट चारकोल पेंसिल को यूज़ करके उसके ऊपर डिटेलिंग करना है। तो कहाँ पर मैं किस तरीके से कर रहा हूँ और कौन सा कलर का मैं यूज़ कर रहा हूँ वो आप लोग ध्यान से देखो।
और अभी ज्वेलरी की एरिया में भी, और अभी ज्वेलरी की एरिया के लिए सेकेंड पार्ट में जिस तरीके से मैं ज्वेलरी में कलरिंग किया था सेम वैसे ही हमें इस एरिया में भी कर लेना है। तो सेकेंड पार्ट में किस तरीके से मैं ज्वेलरी में कलरिंग किया था, फेस में कलरिंग किया था, बैकग्राउंड को कलरिंग किया था, वो जरूर से देखना। और अभी लास्ट में हेयर्स के ऊपर जो भी ज्वेलरी वगैरह है वो सब देने के लिए मैं एट्रेलिक पेंट से कर रहा हूँ। तो मैं कहाँ पर किस तरीके से कर रहा हूँ आप लोग ध्यान से देखो, और अगर आप लोग के पास एट्रेलिक पेंट नहीं है तो आप लोग यहाँ पर पोस्टर कलर को भी यूज़ कर सकते हो। तो बस गाइस फाइनली ये वाला ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। आई होप गाइस आप लोगों को ये वाला ड्राइंग पसंद आई है, और किस तरीके से मैं स्टेप बाय स्टेप इस ड्राइंग को किया आप लोगों को समझ में आ गई होगी, तो आप लोग इजीली इस ड्राइंग को कर लेना। तो मिलते हैं जल्दी किसी और ड्राइंग वीडियो में, तब तक आप लोग नीचे कमेंट पर बताओ कि मैं नेक्स्ट कौन सा वाला ड्राइंग करूं, एंड सभी को हैप्पी दिवाली इन एडवांस। चलो बाय।